डायरेक्टर से ऐसी दरख्वास्त, क्या इस रिक्वेस्ट का है पास्ट से कोई कनेक्शन? स्वागत है आपका बॉलीवुड स्टूडियोज में, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति। क्रिश 4 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भले ही ऋतिक ने अब जाकर की है, लेकिन फिल्म को लेकर खबरें तो क्रिश 3 के रिलीज के बाद से ही आने लगी थी। आलम कुछ ये है कि इतनी ज्यादा फैन थ्योरीज और स्टोरीज, यहाँ तक कि पोस्टर सामने आ चुके हैं कि मेकर्स को मेहनत करने की कोई जरूरत ही नहीं है, इन थ्योरीज और पोस्टर से ही पूरी फिल्म बनाई जा सकती है। इस पूरे वेटिंग पीरियड में सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस बार क्रिश की लीडिंग लेडी कौन होगी। जाननी है फैंस की पसंद तो हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करिएगा। जाहिर है इस रोल के लिए सबसे पहले पिछली दो फिल्मों में दिख चुकी प्रियंका चोपड़ा का नाम सामने आया, लेकिन ये बात तो पहले ही साफ हो चुकी है कि वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं होंगी, क्योंकि इस सीरीज में उनका कोई खास रोल नहीं होता है। और अब तो प्रियंका एक इंटरनेशनल स्टार बन चुकी है, तो जाहिर है वो सिर्फ ऋतिक सेंट्रिक फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगी, और राकेश रोशन ऋतिक से फोकस हटने नहीं देंगे, तो इस वजह से प्रियंका तो टोटल ना हो चुकी है। कंगना का तो सवाल ही नहीं उठता। इसके बाद आया बॉलीवुड की मस्तानी दीपिका पादुकोण का नाम, क्योंकि ऋतिक और दीपिका इंडस्ट्री की मोस्ट अवेटेड जोड़ी है, और दोनों के साथ में काम करने की खबरें भी आ रही थी, तो सब ने इस क्रिश से जोड़ने शुरू कर दिए। लेकिन फिर फाइटर की न्यूज से एक बार फिर ये स्पेक्युलेशन गलत साबित हो गई। इसके बाद कियारा अडवाणी, कृति सैनन और ना जाने कितने लोगों के नाम सामने आए, पर कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद फैंस की पसंद तो कंफर्म हो गई है, और अगर डायरेक्टर ने इस पसंद को नजरअंदाज किया तो शायद फैंस भी यही बोलते नजर आएंगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। जी हाँ, सही समझा आपने, फैंस क्रिश 4 में ऋतिक और नौरा की जोड़ी देखना चाहते हैं, और इस रिक्वेस्ट से उन्होंने ऋतिक और राकेश रोशन के इंस्टाग्राम और ट्विटर को स्पैम कर डाला है। बता दें कि इससे पहले एक इंटरव्यू में अपने क्रश के क्वेश्चन पर नौरा फतेही ने ऋतिक रोशन का नाम लिया था और कहा था कि वो ग्रीक गॉड है। ऐसे में इनकी फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखना वाकई इंटरेस्टिंग होगा। तो आप हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या आप नौरा को क्रिश का हिस्सा बनते देखना चाहते हैं, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक फ्रेश नए वीडियो के साथ।